तेलंगाना के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। भुवनगिरी में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दरमियान जमकर कांग्रेस पार्टी पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। तेलंगाना दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे, यहां भुवनगिरी में जनसभा को संबोधित किया। इस दरमियान कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने आरक्षण में डाका डालने का काम किया है। तेलंगाना दौरे के दरमियान जनसभा में क्या कुछ अहम बातें कही गृह मंत्री अमित शाह ने, ये भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा, कांग्रेस झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस ने आरक्षण में डाका डालने का काम किया है। एससी एसटी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है कांग्रेस पार्टी ने। तेलंगाना में भुवनगिरी की जनसभा के दरमियान गृह मंत्री अमित शाह की अहम बातें। पार्टी झूठ बोलकर चुनाव लड़ना चाहती है। वो कह रहे हैं, मोदी जी आएंगे तो आरक्षण समाप्त कर देंगे। मोदी जी 10 साल से पूर्ण बहुमत के साथ शासन कर रहे हैं। मोदी जी ने आरक्षण समाप्त नहीं किया। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम आरक्षण देकर एसटी एससी और ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। हमारे घोषणा पत्र में हमने मोदी गारंटीज दी है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और ये राहुल बाबा की जो गारंटी है वो सनसेट तक भी नहीं चलती है।